अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रिंटेड कुर्ती के लिए बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए मैं ये फ्लावर वाली लेस यूज़ करूँगी और साथ में ये वाली लेस जो कि आपको इजीली शॉप से मिल जाएगी। इस शर्ट का जो तीरा है वो मैंने 7.5 इंचेस पे लिया है। सबसे पहले बुकरम के ऊपर हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये जो बुकरम का पीस मैंने लिया है, इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया हुआ है और इसकी टोटल लंबाई मैंने ली है 17 इंचेस। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं और इसकी टोटल चौड़ाई हमने 5 इंचेस ली है। अब गले की चौड़ाई हम यहाँ रखेंगे 4 इंचेस। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं और गले की लंबाई मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5.5 इंचेस पे। अगर आप ये बोर्ड नेक बनाना चाह रहे हैं तो आप 4.5 इंचेस की चौड़ाई लेंगे और उतनी ही आप इसकी लंबाई लेंगे या उससे थोड़ी सी कम ले लेंगे, क्योंकि इस तरह के जो डिज़ाइन है वो बोर्ड नेक पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे यहाँ पे नॉर्मल गला बनाना है, चौड़ाई इसकी थोड़ी ज़्यादा रखनी थी और लंबाई कम रखनी थी, तो मैंने उस हिसाब से बनाया है। उसके बाद अब हम दोनों निशानों को मिला के इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देंगे तो ये हमारा राउंड गला बन जाएगा। अब ऊपर से नीचे की तरफ हम 16 इंचेस की लंबाई पर निशान लगाएंगे और जो साइड बंद है वहाँ से चौड़ाई में हम इस तरह से 1 इंच की चौड़ाई पर निशान लगा के ऊपर तक स्केल की मदद से इस निशान को हम मिला देंगे और सेम इसी तरह से गोलाई में भी हम 1 इंच इतना चौड़ा निशान लगा देंगे कटिंग के लिए इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब सेंटर वाली साइड को ओपन करने के लिए बिल्कुल हल्का सा हम इस तरह से बुकरम को कट कर लेंगे ऊपर तक। ये देखें इस तरह से। अब हमने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। इस तरह से पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर लिया है थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए। उसके बाद हमने इसके कॉर्नर्स पे इस तरह से छोटे से कट लगा लिए हैं ताकि हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा सकें। तो सिलाई लगाने का तरीका मैं बहुत सी वीडियोज में बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमने फ्रंट वाली साइड पर लेस को स्टिच करना है, तो उसके लिए आगे की तरफ हम निशान लगाएंगे जहाँ पर बुकरम एंड हो रहा है वहाँ पर। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं या फिर आप बैक साइड की तरफ से बिल्कुल किनारी की किसी और कलर के थ्रेड के साथ सिलाई लगा के भी इस लेस को स्टिच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कपड़ा जो है वो हल्के वाला है तो यहाँ पे मुझे बुकरम की एंडिंग नज़र आ रही है। अब इसी के हिसाब से यहाँ पर मैं टेलर चौक की मदद से निशान लगा रही हूँ। अब इस एक साइड की तरफ हम लेस को कुछ इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। लेस को हमने यहाँ पर सीधा करके रखना है और उसका फेस इस तरह से बाहर की तरफ करना है और बिल्कुल उसी निशान के ऊपर हमने लेस को आहिस्ता आहिस्ता से सिलाई कर लेना है। लेस को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब जहाँ पे इसका कॉर्नर है वहाँ पे आपने इस तरह से लेस को नीचे की तरफ कर लेना है और फिर अगेन इसी तरह से सिलाई लगानी है। अब जहाँ तक ये निशान लगा हुआ है वहाँ तक हम इस तरह से लेस को कट कर लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमने शर्ट की फ्रंट वाली साइड लेनी है और हमने इसको आयरन किया हुआ था तो उसके सेंटर पे क्रीज बनी हुई है। अब उसको डार्क करने के लिए मैं यहाँ पे टेलर चौक की मदद से निशान लगा रही हूँ, ये देखिए, ताकि हमें इसके सेंटर का आइडिया हो। उसके बाद हमने जो गला बना के रेडी किया है उसको हमने सेंटर से इस तरह से कट कर लेना है, ये देखें इस तरह से। अब बिल्कुल सेंटर पे हमने इसको इस तरह से उल्टा करके रखना है। अब हमने इसको पिन की मदद से अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने सारे पिंस लगा ली हैं। अब हमने इसके ऊपर किनारी की सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे जिस साइड पे हमने लेस को स्टिच किया था उसी लेस की सिलाई के ऊपर ऊपर हमने अपनी दूसरी सिलाई लगानी है, ये देखें इस तरह से। अब नीचे की साइड जहाँ पे लेस एंड हो रही है वहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ करते हुए हमने फिर ऊपर की तरफ सिलाई को लेके जाना है, ये देखें इस तरह से।
तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे ताकि गला पलटने के बाद इसमें फिनिशिंग आए, और सेंटर से भी इस तरह से गले को कट कर लेंगे। ध्यान रहे सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, और कॉर्नर से इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे इस तरह से, और ऊपर वाली साइड भी कॉर्नर्स को हम इस तरह से थोड़ा सा कट कर लेंगे। उसके बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे, और किसी भी नोकली चीज़ की मदद से आप इसके कॉर्नर्स को इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। और दूसरी वाली साइड को जब आप इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो लेस जो है वो हमारी कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ये देखें, अब ये वाले लेस का जो हिस्सा है ये दूसरी साइड पे इस तरह से आएगा। तो अब हम इसको पहले आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको अच्छे से यहाँ पे आयरन कर लिया है। अब जो दूसरी साइड वाला हिस्सा है, जिस साइड लेस लगी हुई है, वो उसके ऊपर कुछ इस तरह से आना है। तो इसके नीचे हम इसके साथ कपड़ा स्टिच करेंगे। तो चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो यहाँ पे जिस साइड पे लेस नहीं स्टिच की हुई है, उस साइड से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ किनारे की, और इसी के साथ साथ हम आगे की तरफ कपड़ा भी स्टिच करेंगे। अब जहाँ पे इसका कॉर्नर है वहाँ पे अपने सुई को इस तरह से अंदर की तरफ करना है, और इसको नीचे की तरफ इस तरह से मोड़ लेना है। और साथ ही अब हम इसके कपड़ा जो स्टिच करेंगे उसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है, जिसको हमने पहले ऊपर से फोल्ड करना है। उसके बाद एक साइड को सेंटर की तरफ और दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से। उसके बाद बिल्कुल सेंटर से हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है, जिसका हाफ हिस्सा हमने इसके नीचे इस तरह से रख के स्टिच करना है, हाफ हिस्से को हमने बाहर की तरफ रखना है इस तरह से, और सेम फिर हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अब नीचे वाली साइड को हमने कुछ इस तरह से ऊपर करके रखना है लेस को, और बिल्कुल इसके साथ साथ यूँ रखते हुए किनारी की सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से। तो इस तरह से देखिए, ये हमारा गला बनके रेडी है। अब इसकी दूसरी साइड की तरफ हमने इस फ्लावर वाली लेस को स्टिच करना है, और यहाँ पे मैंने इसकी तुरपाई भी कर ली है। आप चाहें तो इस लेस को वैसे भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक एक फ्लावर को अलग अलग करके इसके ऊपर स्टिच करूँगी। ये देखें इस तरह से। इस तरह से कटिंग करने के बाद आपने इस तरह से किनारी पे रख थोड़ी थोड़ी सी स्पेस के साथ इसको स्टिच कर लेना है। अब जितने मुझे फ्लावर्स चाहिए थे उस हिसाब से मैंने कटिंग कर ली हैं, और अब हमने इसको एक एक करके थोड़ी थोड़ी सी स्पेस के साथ सुई की मदद से सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से हमने ये एक फ्लावर स्टिच कर लिया है। अब इसी तरह से बाकी के सारे फ्लावर्स के साइड में रखते हुए हम उनको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा गला बनके रेडी हो गया है। सेम यही नेक डिज़ाइन आप प्लेन सूट के ऊपर भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, साथ में लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसके अलावा जी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।